ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको यार, तो मतलब कि इस वीडियो में जो हम सनलाइट इफेक्ट डालेंगे इसमें, वो गाइस आप सबको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यार वही है मतलब एक थोड़ा मेन पॉइंट इसमें, ठीक है? क्योंकि वही चीज़ आप सभी को ध्यान से देखनी है, बाकी मैं वीडियो में समझा ही दूंगा। चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने आप सभी को। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर चले जाना है ऐड फोटो में, एंड हिसाब से भी गाइस अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको बैकग्राउंड को इरेज करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी मतलब कि आता ही नहीं है जो भी है, उसके लिए मैंने तीन वीडियो के लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन तीनों को आप वीडियो को में से किसी भी एक वीडियो को चेकआउट कर लेना, आप सभी को इजीली उसमें से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप उन तीनों में से किसी भी वीडियो को देख लेना, मैंने तीनों वीडियो में अच्छे तरीके से एकदम सिंपल स्टेप में समझा रखा है, तो प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट जरूर करना। तो चलिए कैसे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो बस यहाँ पर जो आपको मॉडल का एक डुप्लीकेट कर लेना है, एंड उस जो डुप्लीकेट वाला मॉडल है आपका, उसको लेकर चले जाना है ऐसे एफएक्स वाले ऑप्शन में, ठीक है? एफएक्स वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने उस मॉडल को ले जाना है कलर्स में। कलर्स को ले जाने के बाद आप सभी को ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन में ले जाना है, एंड इसका अमाउंट आपको जीरो कर देना है, एंड यहाँ पे ऊपर से मर्ज कर देना है। एंड इसके बाद आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है, एंड इसको भी यहाँ पे मर्ज कर देना है। एंड इसके बाद आप सभी को कलराइज में जाना है, एंड इसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आप सभी को ऑरेंज कलर को ढूंढ लेना है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको इजीली मिल जाएगा। आप ऐसे ह्यू को कम माइनस या फुल करोगे तो वो इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखिए गाइस, मेरे को मिल चुका था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे डन। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सिंपली यहाँ से इरेजर टूल में चले जाना है, एंड उसके बाद इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश को लेना है, एंड इसकी जो हार्डनेस है इसको बिल्कुल जीरो कर देना है, ठीक है? हार्डनेस को जीरो कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आपसे फिर क्या करना है, आपको फोटो को जूम करना है, एंड अच्छे तरीके से मतलब कि इजीली आपको आराम आराम से एक एक बारी पेंट करना है अपने मतलब कि इस पीछे की तरफ, ठीक है? मतलब कि जहाँ से पीछे से जो सनलाइट आ रहा है उसको आपको ऐसे करके एक एक बारी एक जगह पे एक बारी पेंट करना है, एंड कुछ इस टाइप से पेंट करते जाना है, ठीक है? एंड पूरी बॉडी पर कर लेना है इस साइड की, ठीक है? पूरे मतलब कि एक साइड की करनी है आपको, दूसरी साइड में नहीं करना है, ठीक है? इससे मतलब कि क्या होगा गाइस, कि मतलब कि आपको जो सनलाइट का पीएनजी है ना वो लगानी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे जो है एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा। तो ये इसलिए मैंने आप सभी को बताया, नहीं तो मैं आपको पीएनजी से भी बता सकता था, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड यहाँ पे गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, इसका आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना भी, ठीक है? तो अभी हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे इसका, एंड ऐसा हम चले जाएंगे ब्लेंड में। एंड ब्लेंड में जाने के बाद गाइस, हम एक एक ब्लेंड को चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ठीक लग रहा है। मेरे ख्याल से गाइस, आप सबको स्क्रीन या लाइटन कर लेना चाहिए, ठीक है? बट हम ओवरले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, बट हम यहाँ पर लाइटन रखेंगे, ठीक है? आप स्क्रीन भी रख सकते हो। एंड उसके बाद हम एक और उसका डुप्लीकेट कर लेंगे, एंड इसको हम यहीं पे लगा देंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम इस जो दूसरी वाली लेयर है इसकी हम ओपेसिटी को यहाँ पे कुछ कम कर लेंगे, ठीक है? तो आप सभी को भी ऐसे कर लेना है। एंड यहाँ पे इतना कर देने के बाद आप सबको गाइस फिर क्या करना है, आप सबको ऊपर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है? तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना आगे, अब मैं बता देता हूँ आप सभी को। एंड उसके बाद आप सबको जाना ऐड फोटो में, एंड यहाँ पे आप सबको एक पीएनजी मिल जाएगा, तो आप सबको सिंपली उसको ऐड करना है, एंड कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है, एंड आपको थोड़ा सा मतलब कि इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देना है, एंड नीचे की तरफ रख लेना है, एंड कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो आप सबको ऐसे कर लेना है, एंड यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। ओके, सो उसके बाद गाइस, आप सबको सिंपली करना है कि आप सबको इस फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसकी कलर करेक्शन जो होगी हमारी वो लाइटर मैप के अंदर होगी, तो ऐसे हम लाइटर मैप को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, जब फोटो हमारी ऐड हो चुकी है तो अब क्या करना है, आप सबको लाइट वाला ऑप्शन जाना है, एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को माइनस रख लेना, ठीक है? एंड शेडो को बढ़ा देना, एंड जो व्हाइट है इसको कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, और टेम्परेचर जो है थोड़ा माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, एंड जाएंगे कलर मिक्स में, एंड ऐसे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ठीक है? एंड इसको क्या करेंगे हम, उसका जाएंगे येलो कलर में, इसका ह्यू बिल्कुल माइनस कर देंगे, एंड इसका सैचुरेशन जो है इसको प्लस कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है? इतना करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से चले जाना है डार्क ब्लू में, एंड इसका जो ह्यू है इसका माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको जाना कलर्स के नीचे वाला टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आप सबको उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो भी डाल देना है, ठीक है? विग्नेट जरूर डालना है, क्योंकि विग्नेट से एक अच्छा सा लुक आता है फोटो में, तो विग्नेट जरूर डालना है। एंड नीचे ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा आपको, उसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में, ठीक है? तो इस पर सॉरी गाइस, हमें नीचे वाले टूल में जाना था, तो मैं ऐसे नीचे वाले टूल में चलते हैं। एंड उसका जो फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो नोइड रिडक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर नोइड रिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।